तो यार वेलकम है आप सभी का फ्री फायर के एक और न्यू वीडियो में। ठीक है यार, यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने मैकेनिकल पप को एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन वहाँ पे हमारा मैकेनिकल पप इक्विप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट पर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी, तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं दिवाली पार्टीज मिशन एक्सचेंज पर जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे अपने मैकेनिकल पप को एक्सचेंज कर लिया। आपको नीचे की साइड में दिख रहा होगा एक्सचेंज कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल पप जो है इक्विप क्यों नहीं हो रहा है और क्या करना पड़ेगा जिसकी मदद से हमारा मैकेनिकल पप इक्विप हो जाए। ठीक है, तो यार यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन रखना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यार मैंने अभी एक वीडियो बनाई है इस वीडियो से पहले, जहाँ पे मैंने आपको इस इवेंट की फुल डिटेल्स के बारे में बताया है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो बताया है और कैसे एक्सचेंज कर पाओगे वो भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बिग हेड मोड के जो मिशन है उनके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सबसे पहले बाद में बात करूँगा इक्विप क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ थोड़ा सा, अगर आप बिग हेड मोड खेल के यहाँ पे 5 एनिमीज़ को किल करोगे तो आपको 5 फूड मिलेंगे पेट के, 10 एनिमीज़ को किल करोगे तो भी आपको 5 पेट के फूड मिलेंगे, और 15 एनिमीज़ को किल करोगे तो आपको ये शार्क अटैक वेपन लूट वाली क्रेट मिलेगी। और इसी तरह यहाँ पे 25 एनिमीज़ किले हैं, 4 से 10 बिग हेड मोड हैं इसी तरह, और नीचे की साइड में एक डायमंड रोल वाउचर भी है। तो चलो यार अभी बात करते हैं यहाँ पे अपने पेट की, मैकेनिकल पप हमारा इक्विप क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज कर लिया, आपने भी कर लिया होगा, लेकिन वहाँ पर अगर हम चलते हैं तो चलो पेट में चलते हैं, यहाँ पे परचेस करके दिखा रहा है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल पप जो है इक्विप नहीं हो रहा है। तो यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारा मैकेनिकल पप जो है इक्विप क्यों नहीं हो रहा है। भैया आप जानते हैं गरेना फ्री फायर जो है यहाँ की गेम नहीं है, इंडोनेशिया की गेम है शायद से, मुझे कंफर्म भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका इंडियन सर्वर पर बहुत ही बुरा हाल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको गरेना फ्री फायर के फेसबुक पेज पर जाना है और वहाँ पे हैशटैग फ्री फायर प्रॉब्लम लगा देना है इंडियन सर्वर में। ठीक है, यहाँ पे मतलब इंडियन सर्वर में तो आप रहते ही हो, आपको गरेना फ्री फायर के फेसबुक पेज पर जाना है, वहाँ पे उस किसी भी पोस्ट में कमेंट कर देना है हैशटैग फ्री फायर प्रॉब्लम, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर कमेंट कर दो हैशटैग फ्री फायर प्रॉब्लम। ठीक है, उससे क्या होगा कि फ्री फायर को इंडियन सर्वर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका एहसास होगा और वो वहाँ पे उसे ठीक कर देगा। तो भैया यहाँ पे जब हमने एक्सचेंज कर लिया तो हमारा पेट इक्विप क्यों नहीं हो रहा है, ये गरेना फ्री फायर की प्रॉब्लम है, आपके गेम की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक्सचेंज कर लिया तो आपको इक्विप भी होना चाहिए। यहाँ पर मुझे भी इक्विप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये गरेना फ्री फायर के इंडियन सर्वर में प्रॉब्लम है, जाओ हैशटैग फ्री फायर प्रॉब्लम लगा दो, जहाँ जहाँ भी फ्री फायर की फेसबुक इंस्टा और सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग फ्री फायर प्रॉब्लम लगा दो। ठीक है, तो यही सब कुछ है, देखते हैं यार कब तक ठीक होता है, जैसे ही इक्विप होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन रखना, ताकि आपको कोई भी पोस्ट कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना कर सको। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन रखना। ठीक है, तो चलो यार बाय बाय।